बोलिए क्या बात, पास में आइए, पास में आइए। कहाँ से आई हैं? गुरुजी मैं नजफगढ़ दिल्ली से आई हूँ जी। और गुरुजी मेरा नाम सरिता धारीवाल है। नहीं ये नाम नहीं आपका। गुरुजी मेरा नाम सरिता है। कुछ और बोलते होंगे? नहीं गुरुजी। पति ने दो शादी की क्या? नहीं गुरुजी। कोई दूसरी महिला का कोई विवाह? नहीं। इतने देखो हम तरफ एक बार बहन, क्या कह रहे हैं आप? गुरुजी मेरा नाम सरिता ही है और घर में कोई नाम। कोई दूसरी महिला का कोई विवाह? उनका रिश्ता तो हुआ था गुरुजी कभी। किससे? उनका कभी पहले मेरी शादी से पहले 2 साल रिश्ता रहा है। क्या नाम था उसका? गुरुजी मैं नाम नहीं जानती। आ? नाम नहीं जानती गुरुजी मैं। फोन लगाई पति को? गुरुजी अब वो बात भी नहीं करेंगे। क्यों? गुरुजी वैसे मैं मिला सकती हूँ, बेटी बैठी है, बोलो एक बार। बिटिया पूछिए। श्रेया बेटा एक बार उठ के पापा को फोन मिलाओ। बेटा आपको मालूम है पापा के विषय में पहले बात जो मम्मी बोल रही है? पापा को फोन मिलाओ बेटा, जिनसे रिश्ता पापा का पहले हुआ था क्या उनका नाम जानते हैं? मैं बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पर्चा में मैं अपनी बेइज्जती भी नहीं करा सकता हूँ। जो मैंने लिखा है मैं इससे मुकर नहीं सकता, लेकिन बेघर जाने में दे नहीं सकता, नहीं तो अभी हंसी मेरी हो जाएगी। नहीं गुरुजी ठीक है। लिखा हुआ या तो पर्चा फाड़ा जाए। भैया आवाज मत करें, यदि कृपया आवाज करने की इच्छा हो तो उनको बाहर निकाल दो। थोड़ा गिलास में पानी भिजवा दे। रितु मम्मी के पास मिला दे। रितु मम्मी के पास मिला जल्दी। रितु मम्मी के पास मिला। तब तक मैं मेरी बात करो। हेलो रितु पूछिए। हेलो हाँ तनु के पापा, जिससे पहले आपका रिश्ता किया था उस फौजी की लड़की से, उसका नाम जानते हो क्या था? आपका पहले रिश्ता रहा था ना 2 साल मेरे से पहले। मैं सरी क्या आवाज नहीं समझ में आ रही? अभी आ रही है? कोई बात नहीं, आप घर आए हो, मैं जो पूछ रही हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो। गुरुजी उनकी आवाज कट कर रहे, समझ नहीं आ रहा। दूर से पूछिए आप पूछिए। हेलो अभी आ रही है? आप ये बताओ जिससे आपका रिश्ता पहले हुआ था उसका नाम क्या था उस लड़की का? नीलम। नीलम के द्वारा तंत्र क्रिया की गई है, पति से प्यार प्रेम नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा गुरुजी। आपने किसी को बताया था क्या? नहीं गुरुजी बिल्कुल भी। गुरुजी मैं आई हूँ, मेरा बेटा एक्सपायर हो गया मालूम है, और गुरुजी ये बैठी बेटी मेरे बराबर में ये मुझे बिल्कुल अब इस वक्त 2 साल से बहुत परेशान कर रही है। पहले ऑलराउंडर आती थी स्कूल में, और अब 2 साल से मेरा मान सम्मान गिरा रही है। और जो बेटा गया गुरुजी मुझे उसका बता दो वो क्या सही में है। आपका बच्चा जो मरा है वो तंत्र क्रिया से मरा है। इसको पढ़िए, पकड़िए मत, ऐसे पढ़िए। आप भी पढ़िए दीदी, दोनों लोग पढ़िए। अरे ऐसे पढ़िए, हम तो वो गुरु हैं कि सोचिए कल्पना कीजिए। इस मंत्र को 108वां करना है और हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा से सफलता मिलेगी। सरिता जी आपका नाम नहीं आया लेकिन नीलम जी का आया, लेकिन संबंध रहा है भाई, चक्कर नहीं लगाए, पत्नी नहीं बनी, एक घर में बहाव नहीं पड़ी, लेकिन रिलेशन संबंध दोस्ती भी रखना भी पाप है और विवाह की श्रेणी में आता है, गंधर्व विवाह में आता है। गुरु जी मेरा बेटा हमने लिखा, पहले तो बताइए आप कितनी पढ़ी लिखी है? गुरु जी 12। तो क्या हमने नीलम नाम गलत लिखा है? नहीं गुरु जी सही लिख रखा है। मैं कोई घसीटने वाला गुरु नहीं हूं, बताऊंगा तो शॉट दूंगा, अंत दूंगा नहीं। मैं गेंदमैन नहीं खेलता, या तो सिक्स या तो शांत। नहीं बता पाए, नहीं बता पाए, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ रहे, यही तो कहोगे नहीं बता पाए। और यदि पर्ची लुटाई है तो इसी तरीके से हर पर्ची इनकी आएगी, लेकिन इनका नाम सरिता नहीं आया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन नीलम तो आया, सोचा लुक पहला शब्द का अल्फाबेट विचार करें, फिर लिख दिया नंबर 1 2 3 सोच रहे हो। नो, इनको याद नहीं था,
और मैं नीलम लिख रहा हूं, ये विचार का शोध का विषय है। ये सभी विद्वान लोग और 80 न्यूज के लोग आज के साक्षी है। यदि इसको भी गलत दिखाना चाहे तो दिखाइए, कोई बात नहीं। गुरु शरण रहेंगे। गुरु जी, दो साल रिश्ता रहा है उनका, आपने जब बताया तो याद आया, 2 साल उनका रिश्ता रहा है। रहा ना? हाँ गुरु जी, 2 साल तो पहले करी थी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है गुरु जी, मैंने सोच वो आई नहीं तो मैंने इसमें लिखा है कि आपका बेटा खत्म हुआ है, मैंने लिखा है कि आपकी पुत्री की पढ़ाई की बात के बारे में। हाँ, लेकिन सरिता नहीं लिखा, इसके लिए सॉरी है, नहीं लिखा। मैं लिखता बाद में तो जोड़ते तुम कहते महाराज ने पूछ के जोड़ दिया तो मेरा तो नाक कट जाएगी यहां से। इसी की तो लेता हूं और कहता हूं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यहां लाओ गुरुजी, बेटा चाहिए मुझे। अब इस पर यदि किसी को बुरा लगता है तो लगे भाई, जिस दिन फ्री कर देंगे अप्रैल से दरबार में कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन दान मांगना नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो ये व्यवस्था बनेगी कैसे, तरीका दूसरा निकालूंगा। लेकिन ये आपको, क्योंकि आप मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमको भी आप लोगों के परिवार के परिजनों को टाइम देना होता है, लेकिन बच्चे लोग ही परिवार भी कोसता कि आप गुरुजी थे हमें पता ही नहीं था। लेकिन हमारा परिवार जैसा सबका परिवार हो, सबने मुझे इतनी ताकत हिम्मत दी कि आज पंडुका सका के दरबार में मैं 24 घंटा आपको टाइम देता हूं। रहा सवाल काम होने की ना होने की, मैं भगवान नहीं हूं, कर्म करोगे तो सफलता मिल जाएगी, कर्म नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। गुरु जी गोद भर जाएगी जे, मैं नहीं बोलता, लेकिन हाँ बच्चे के बारे में पूछना चाहती हो। हाँ तो मैं लिख रहा हूँ, कलम चलाने की आज्ञा दे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है गुरु जी, यहाँ इससे कह लिख रहा हूँ, ये मंत्र लिखा मैं लिख रहा हूँ, लिख दो गुरु जी। आपको इस समय MC ही नहीं आती? नहीं आती गुरु जी, 8 साल हो गए, 8 साल हो गए गुरु जी। जब MC ही नहीं आती है तो बच्चा होगा कैसे? जब फूल नहीं है तो फल हो आएगा कैसे? गुरुजी अपना आशीर्वाद तो दो जो मुझे नहीं, मैं इसके लिए प्रयास करता हूँ। डॉक्टरी चिकित्सा कराइए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान डॉक्टरों की दवा चिकित्सा विज्ञान आपको प्रोग्रेस दे, आपको संतान दे और पंडो का सकल कृपा फलीभूत हो। और गुरु जी ये जो दो बेटियां हैं इनको कामयाबी की आशीर्वाद, मैं सहयोग करूंगा। चलिए दाई पर्ची कटवा लीजिए, अगर नहीं कटी हो तो कटवाई थी गुरु जी। क्या हो तुम्हारी नहीं, क्या चिंता होती है ना, ये ज्यादा देख लेंगे फ्री में तो कल सामान की व्यवस्था बिगड़ जाएगी।